अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ लेडी फ़िश। लेडी फ़िश बहुत ही टेस्टी बनती है और ये बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है इसकी। ये लेडी फ़िश है जिसको अंदर से साफ़ कर लिया था, कटिंग कर ली, और उसके बाद इसको मैंने लहसुन अदरक और ग्रीन चिली का पेस्ट लगा के रख दिया था। ज़ीरा 2 टीस्पून, सौंफ 2 टीस्पून, अजवाइन 2 टीस्पून और साबुत मिर्च 8 दाने। इनको एक साइड पे रखना है क्योंकि ये मैं तवे पे भून के और इन्हें ग्राइंड करूँगी। अब सबसे पहले हम इस डिश में लेडी फिश को डालेंगे। मैंने ऑलरेडी पहले ही लहसुन अदरक और ग्रीन चिली का पेस्ट बना के इसको लगा दिया था और तकरीबन 2 घंटा इसको इसी तरह रखा था। अब हम इसमें 1 टीस्पून जो है साल्ट ऐड करेंगे। आप अपने हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ इसमें रेड चिली 1 टीस्पून ऐड की जाएगी। एंड देन आप इसमें ऐड करेंगे ड्राई कोरिएंडर 1 टीस्पून, सूखा धनिया और ऑल स्पाइसेस, गरम मसाला 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून, बेसन 6 टीस्पून मैंने इसके डाले हैं। अगर आप टेबलस्पून लेंगे तो 3 टेबलस्पून और अगर आप टीस्पून लेते हैं तो 6 टीस्पून आप ऐड कर दीजिएगा। ये बहुत ही मज़े की होती है, इसमें ज़्यादा कांटे भी नहीं होते। एक ही लंबी सी जो होती है इसकी बोन होती है और बहुत टेस्टी बनती है। आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा अपने घर में। अब इसमें ऐड करेंगे हम 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, और देन 3 टेबलस्पून विनेगर। आप चाहें तो लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। अब हमने जो पहले मसाले आपको बताए थे, अजवाइन, जीरा, सौंफ और साबुत लाल मिर्च, इसको तवे पे अच्छे से भूनना है हल्की आंच पे, और जब ये भुना जाए और एक अच्छी सी इसकी खुशबू आए तो आप इसे चूल्हा फ्लेम ऑफ करके इसे ग्राइंडर में डाल देंगे। ग्राइंडर में डाल के आपने इसे ग्राइंड कर लेना है। अब जो हमारा ग्राइंड हुआ हुआ मसाला था वो अब हम इसमें ऐड करेंगे। वो आपने ऑलमोस्ट सारा ही ऐड कर देना है। ग्राइंड करने मसाला ऐड करने के बाद अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि मसाला अच्छे से फिश में जो है लग जाए। लेडी फिश वैसे तो कराची में मिलती है, इस्लामाबाद में बड़े बड़े सुपर मार्ट्स में ही मिलती है। मैंने ये इम्तियाज़ सुपर मार्ट से ली थी जो कि इस्लामाबाद में है। नॉर्मली आम मार्केट से ये नहीं मिलती। आप देख सकते हैं फिश को अच्छे से मसाला लग चुका है। अब हम इसे रख देंगे तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए ताकि अच्छे से मसाला जो है वो इसमें हल हो जाए।
अब हमने इसे 3 से 4 घंटे के बाद फ्राई के लिए ये रेडी है और एक पैन में हमने ऑयल गर्म कर लिया है। अब इसमें हम 1 by 1 करके अपनी फिशेस को ऐड करेंगे। इसे बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे जो है हम कुक करेंगे, ये बहुत जल्दी बन जाती है। और बहुत डिलीशियस होती है, टेस्टी है, आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं ये। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आप मेरे साथ कनेक्ट रह सकें और फ्यूचर में जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूं वो आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। इसको बहुत आराम से हमने इस तरह से पलटना है ताकि टूटे ना। बहुत नाजुक सी फिश है, बहुत टेंडर है ये, और अगर ज़्यादा आप इसे ज़ोर से करेंगे तो ये टूट भी जाती है। सॉफ्ट एंड जूसी ये बनेगी, बहुत टेस्टी बनेगी, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और ये आप देख सकते हैं विद इन 5 to 6 मिनट ये रेडी हो चुकी है। ये 1 by 1 करके मैंने सारी निकाल ली है सर्विंग डिश में। मज़ीद और भी मैंने फ्राई कर ली थी, ऑलमोस्ट मैंने जितनी मसाला लगाई थी सारी ही फ्राई कर ली थी। और 2 slices मैंने फिश के लेके, 2 fishes मैंने इस तरह से बेस्ट पॉइंट अपने ओवन में कुक कर ली थी और इसमें भी बहुत अच्छे से ये कुक हो गई थी, बहुत येलो के कम ऑयल में बहुत अच्छे से ये कुक हो गई थी। और ये हमारी फिश रेडी हो गई है, होप यू लाइक इट एंड एंजॉय इट। मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड मेंबर्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।